नमस्कार दोस्तों, मैं दिगंबर कश्यप, न्यूरोथेरेपिस्ट। आज हम बात करेंगे अपनी बॉडी में इम्यूनिटी को हम कैसे बढ़ाएं। इम्यूनिटी मीन्स प्रतिरोधक क्षमता, यानी रोगों से लड़ने की क्षमता हमारे शरीर के अंदर ऑलरेडी है। ईश्वर ने हमारे शरीर की रचना ऐसे की है कि अगर कोई वायरस बैक्टीरिया बाहर से हमारे बॉडी के ऊपर अटैक करता है तो हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे सिस्टम ऐसे हैं जो उस वायरस बैक्टीरिया को मार सकता है। जैसे कि हमारी बॉडी में WBC, RBC, प्लेटलेट्स, कुछ ऐसी चीजें हैं जो वायरस बैक्टीरिया को खत्म करता है और हमारी बॉडी की इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करता है, हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। हमारी बॉडी के अंदर लिम्फेटिक सिस्टम होते हैं जिसका काम है जो भी वायरस बैक्टीरिया बाहर से आने की कोशिश कर रहा है उसको वहीं खत्म कर देता है या आने से रोकता है। तो हमारी बॉडी ऊपर वाले ने इतनी स्ट्रॉन्ग बनाई है कि कोई भी वायरस बैक्टीरिया हमारे बॉडी के अंदर प्रवेश नहीं कर सकता। अगर कर लिया है तो वो हमारी इम्यूनिटी के कारण से हमारी बॉडी के अंदर जो कुछ ऐसे लिम्फेटिक सिस्टम है उनके द्वारा मार दिए जाते हैं। हमारे चारों ओर हमारे घर में बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, ऊपर वाले ने प्रकृति की रचना इस प्रकार से की है, जैसे खाने की बहुत सारी चीज हमें ऐसे वरदान के रूप में दी है कि जिससे हम अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट कर सकते हैं और बड़े से बड़े वायरस बैक्टीरिया को भी हम डेड कर सकते हैं, चाहे वायरस बैक्टीरिया किसी भी प्रकार का हो। जैसे कि हमारे भोजन में विटामिन सी का बहुत बड़ा रोल है, तो हमें अपनी डाइट में संतरा लेना चाहिए, बहुत अधिक मात्रा में संतरा होता है। आंवला लेना चाहिए, आंवला विटामिन सी का बहुत बड़ा स्रोत है। कहा जाता है कि एक आंवले में 20 संतरे जैसे गुण होते हैं। अगर आपने एक आंवला खाया है तो इसका मतलब आप ये मानिए कि आपने 20 संतरे खा लिए। तो एक आंवला व्यक्ति को जरूर खाना चाहिए जिससे कि उसकी बॉडी की इम्यूनिटी स्ट्रांग रहे, कोई भी वायरस बैक्टीरिया उसको प्रभावित ना कर सके। आप शिमला मिर्च खा सकते हैं, शिमला मिर्च में भी विटामिन सी होता है। आप अमरूद खा सकते हैं, आप पपीता खा सकते हैं जो हर प्रदेश में हर जगह बड़ी आसानी से मिल जाता है। आप तुलसी का सेवन करें, तुलसी ड्रॉप आती है, तुलसी ड्रॉप ले सकते हैं, तुलसी के पत्ते ले सकते हैं, जिस भी फॉर्म में आप ले सकते हैं लेकिन आप अवश्य लें, क्योंकि इसमें बहुत सारे इम्यूनिटी स्ट्रांग करने के बहुत सारे ऐसे तत्व हैं जो आपकी बॉडी की एनर्जी को बूस्ट करेंगे, आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करेंगे। आप लहसुन लें, लहसुन की कली सुबह खाली पेट पानी के साथ आप ले सकते हैं या उसकी चटनी बना सकते हैं। इसमें एंटीऑक्सीडेंट कुछ तत्व होते हैं, बहुत बड़ा स्रोत है एंटीऑक्सीडेंट का, तो जिससे हमारी बॉडी की इम्यूनिटी स्ट्रांग रहे और हम रोगों से आसानी से लड़ सकते हैं। विटामिन डी आप लें, विटामिन डी का सबसे बड़ा स्रोत है आपको धूप लें, कम से कम 15 मिनट हर व्यक्ति को धूप लेनी चाहिए। दूध ले सकते हैं, आप गाजर खा सकते हैं, इन सब चीजों में विटामिन डी बहुत अधिक मात्रा में होता है। फाइबर युक्त भोजन का सेवन करें, आप ओट्स ले सकते हैं, आप दाल ले सकते हैं, आप फ्रूट ले सकते हैं, आप ब्रोकली ले सकते हैं। तो जो भी विटामिन डी के स्रोत हैं अपनी डाइट में आप शामिल करेंगे, आप देखेंगे कि आपको कोई भी वायरस बैक्टीरिया आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, आपकी बॉडी की इम्यूनिटी इतनी स्ट्रांग हो जाएगी। आप फाइबर बहुत सारी चीजों में होता है। आप जब खाना बनाते हैं, आप रोटी बनाते हैं तो चोकर सहित बनाएं, जब आप गेहूं पिसवाते हैं, आटा लेते हैं तो उसमें कुछ चीज मिक्स कर सकते हैं, जैसे उसमें आप जई यूज कर सकते हैं, आप मक्का यूज कर सकते हैं, आप बाजरा यूज कर सकते हैं, जो भी आपको बहुत सारी चीजें ऐसी मिल जाएंगी जो आप चोकर सहित उसको लें। और जब भी आप अपने घर में रोटी बनती है, जो माताएं बहने रोटी बनाती हैं वो चोकर सहित बनाएं, उसको छानने की आवश्यकता नहीं है। आप चोकर सहित रोटी बनाएंगे उसमें बहुत अधिक मात्रा में फाइबर होगा जो आपके डाइजेशन के लिए भी बहुत लाभदायक है। जो लोग फाइबर ज्यादा लेते हैं, अपनी डाइट में इस्तेमाल करते हैं, ऐसे लोगों को हार्ट की समस्या भी बहुत कम होती है, स्ट्रोक आने के चांस बहुत कम होते हैं, ऐसे लोगों को बीपी की समस्या भी कम होगी। डायबिटीज जिन लोगों को है उनको फाइबर ज्यादा मात्रा में लेना चाहिए। प्रतिदिन 30 मिनट कम से कम योगा करें, अपने रूटीन में अपना नियम बनाएं कि मुझको सुबह 30 मिनट योगा करना है, और उसमें भी कोशिश करें कि ज्यादा से ज्यादा समय आप ब्रीदिंग क्रियाएं करें, प्राणायाम करें, मेडिटेशन करें, अपने ध्यान को केंद्रित करें, इससे आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी। आप च्यवनप्राश ले सकते हैं, आप शाम को दूध लेते हैं तो शाम को सोने से पहले दूध ले सकते हैं, सुबह आप लेते हैं तो सुबह एक चम्मच आप
च्यवनप्राश ले सकते हैं, सुबह ले शाम ले, दोनों टाइम भी ले सकते हैं। जिनको डायबिटीज है वो च्यवनप्राश को लेने से डरते हैं कि भाई इसमें, तो आजकल देखेंगे मार्केट में शुगर फ्री आपको च्यवनप्राश बड़ी आसानी से मिल जाएगा। उसमें च्यवनप्राश में बहुत सारे तत्व ऐसे होते हैं जो हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करते हैं, हमारी प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं। आज आप देख रहे हैं कि आयुष मंत्रालय ने भी कहा है इन सब चीजों के बारे में जिक्र किया है कि आप अपनी इम्यूनिटी को कैसे बूस्ट करते हैं। आप काढ़ा जरूर पिए। काढ़ा बनाने का तरीका मैं आपको आज बताता हूं। आप किसी बर्तन में पानी लेंगे, मान लीजिए आपने एक गिलास पानी लिया, उसमें 5 तुलसी के पत्ते आपको डालने हैं, 5-7 लौंग डालनी है, 5-7 काली मिर्च डालनी है, आप उसमें सौंठ डालें, या जैसे हम अदरक बोलते हैं अदरक डाल सकते हैं, सौंठ डाल सकते हैं, उसमें थोड़ा सा गुड़ डाल लें अपने स्वाद के अनुसार कि जिससे वो तीखा ना लगे, और उसमें बाद में आप जब वो उबलकर आधा रह जाए तो जब उसको आप गैस से उतार लेंगे तो उसमें आधा नींबू आप डाल लें, क्योंकि उसमें विटामिन सी होता है और ये सब एक काढ़ा बनकर तैयार हो जाएगा। जब ये गुनगुना रह जाए तो आपको ये गुनगुना पीना है। दो टाइम पीना चाहे तो दो टाइम पिए, लेकिन एक टाइम तो आपको अवश्य पीना चाहिए। रात को दूध पीते हैं तो उसमें आधा चम्मच हल्दी डालकर पिए। हल्दी में बहुत सारे तत्व ऐसे हैं जो हमारी बॉडी की इम्यूनिटी को तो स्ट्रांग करेंगे ही, जो वायरस बैक्टीरिया को भी मारने के लिए एक दवाई जैसा काम करते हैं। बहुत सारे तत्व ऐसे हैं जो हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करते हैं। जब कोई वायरस बैक्टीरिया हमारी बॉडी के अंदर प्रवेश करता है तो वो कुछ रास्तों से करता है, जैसे कि नाक। तो नाक में आप 2 बूंद तिल का तेल डाल सकते हैं, या नारियल का तेल डाल सकते हैं, या गाय का देसी घी हो तो 2 बूंद आपको नाक के इस वाले भाग में डालना है और 2 बूंद इस वाले भाग में डालना है। तो जो भी वायरस बैक्टीरिया एंटर कर रहा है वो नहीं करेगा या वो मर जाएगा। सुबह उठने के बाद आप फ्रेश हो जाएं, आप गरारे अवश्य करें, क्योंकि कोई भी वायरस बैक्टीरिया देखेंगे नाक से हो गया गले से जाएगा। तो हम गरारे करें। गरारे करने के लिए आपको एक गिलास मान लीजिए गर्म पानी करना है, उसमें थोड़ा सा आप फिटकरी डाल सकते हैं या सेंधा नमक, कोई भी एक चीज डाल सकते हैं, और आपको जो गरारे करने का तरीका है और वो पानी बाहर निकाल देना है। ऐसा आप प्रतिदिन करें। दिन में कोशिश करें जब भी आप पानी पिए गुनगुना पिए। हर व्यक्ति को 10 से 12 ग्लास पानी अवश्य पीना चाहिए, और वो गुनगुना पिएंगे। हमारे ग्रंथों में हमारे शास्त्रों में गुनगुना पानी अमृत के समान बताया गया है। उससे आपका डाइजेशन तो सही रहेगा, उससे पूरा सिस्टम जो भी हमारी बॉडी के सिस्टम है वो सारे सिस्टम ठीक रहेंगे, ब्लड सर्कुलेशन ठीक रहेगा, कोई पेट संबंधी दिक्कत हमको नहीं हो सकती। तो इतना महत्वपूर्ण है गर्म पानी पीना। आप भाप लें, किसी आजकल तो भाप करने का आपको मिल जाता है, आप भाप लें, या अगर लगता है कि वे पानी की वैसे लेनी है, कोई साधन अपने पास नहीं है, तो किसी भगोने में किसी बर्तन में पानी गर्म करें और उसमें थोड़ी सी अजवाइन डाल लें। अजवाइन में बहुत सारे तत्व ऐसे हैं जो भाप लेने के लिए बहुत अच्छे बताए गए हैं, हमारी हेल्थ की दृष्टि से बहुत अच्छे, और कोई वायरस बैक्टीरिया को बड़ी आसानी से वो मार सकते हैं। तो जब भी अभी जैसे मैंने बताया, क्योंकि मैं खुद न्यूरोथेरेपिस्ट हूं और आज मैं आपको ये सब विधि के साथ में न्यूरोथेरेपी के कुछ छोटे पॉइंट बताऊंगा जिससे कोई भी वायरस बैक्टीरिया आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो जैसे हमारी नाक, मैंने बताया कुछ रास्तों से हमारी बॉडी के अंदर एंटर होगा, तो सबसे पहले हमारी नाक के ये आसपास वाला जो एरिया है इसको हमें अपने उंगलियों से इस प्रकार से करना है, इस प्रकार से 10 से 12 बार ऐसे करना है, क्योंकि यहाँ छोटे छोटे छिद्र होते हैं, कैपिलरीज होती है, कोई टॉक्सिन आ गया है, कोई वायरस बैक्टीरिया अटैक कर रहा है तो उसको नहीं करने देगा। ये सब आपको करना है, ऐसे कर सकते हैं, एक ही हो गया। दूसरा, जैसा मैंने बताया हमारे गले से एंटर करेगा, ये सारी क्रियाओं के साथ में क्या करना है आपको, इस प्रकार से बैठना है और ये दोनों हाथ आपको इस प्रकार से 5 से 6 बार थोड़ा प्रेशर देते हुए, ये जो हिस्सा है हमारा गले का, ये इस प्रकार से प्रेशर देते हुए पीछे जाना है, इस प्रकार से। इधर हमारे कुछ लिम्फ नोड्स होते हैं, ये आर्मपिट, ये बगल जिसको हम बोलते हैं, यहां क्या करना है अपने इस हाथ की ये वाले भाग से आपको 10 से 12 बार इस प्रकार से घिसना है, इस प्रकार से, यहां से लेना
इस प्रकार से घिसना, इस प्रकार से 10 से 12 बार इधर किया और 10 से 12 बार आपको इधर करना है, इस प्रकार से ये आपने करना है, इस प्रकार से। इधर हमारा थाइमस ग्लैंड होता है, थाइमस ग्रंथि होती है, जो कोई भी वायरस बैक्टीरिया बाहर से हमारी बॉडी के अंदर प्रवेश कर गया उसको मारने का काम हमारा थाइमस ग्लैंड करता है, बहुत पावरफुल है, हमारी बॉडी की बहुत बड़ी शक्ति है थाइमस। तो देखेंगे कैसे करेंगे, थाइमस को हम स्टिमुलेट कैसे करेंगे। इधर हमारा थाइमस होता है, ये जो है ये वाला हिस्सा लगभग माने, और यहां क्या करना है हमने, इस प्रकार से 12 बार घिसना है, 12 बार ऐसे, 12 बार ऐसे, ये फिर 12 बार, 12 और 12 बार ऐसे। इससे हम थाइमस ग्लैंड को स्टिमुलेट कर देते हैं और कोई वायरस बैक्टीरिया हमारी बॉडी में एंटर कर गया है तो उसको मारने का काम थाइमस ग्लैंड करता है। थाइमस ग्लैंड टी हेल्पर सेल, टी किलर सेल, टी सप्रेसर सेल और टी मेमोरी सेल बनाता है, जो हमारी बॉडी की इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। और इधर देखेंगे, मैं खड़े होकर दिखाता हूं आपको, ये देख रहे हैं ये वाला हिस्सा, ये वाला जो हिस्सा है ये, यहां हमारे लिम्फ नोड्स होते हैं, इसको क्या करना है, इस प्रकार से दबाना छोड़ना है, इस प्रकार से दबाना छोड़ना है, खड़े होकर भी कर सकते हैं, इस प्रकार से दबाना छोड़ना, 10 से 12 बार आपको ऐसे करना है, दबाना छोड़ना। ये 3 पॉइंट बनाएंगे, 1 2 3, 1 2 3, बैठ के भी करना चाहे तो बैठ के भी कर सकते हैं, आप दुकान पर हैं, ऑफिस में, कहीं पर भी ये पॉइंट कर सकते हैं, आप कहीं सफर कर रहे हैं तो भी करें, इस प्रकार से, इस प्रकार से, इस प्रकार से। ये देखेंगे इधर हमारा स्प्लीन होता है, ये हमारे पेट पे, तो क्या करना है, इस पार्ट्स की हमें मसाज करनी है, किस प्रकार से, इस प्रकार से गोल गोल घुमाना है, इस प्रकार से हम करेंगे। तो ये कुछ मैंने जानकारी आपको दी, आप इम्यूनिटी को कैसे स्ट्रॉन्ग करें, अपनी प्रतिरोधक क्षमता कैसे बढ़ाएं, रोगों से लड़ने की क्षमता अपनी बॉडी में कैसे डेवलप करें, कुछ देसी नुस्खों के साथ में मैंने कुछ न्यूरोथेरेपी के पॉइंट बताए, आप इन सब उपायों को करें, आप ये जो मैंने बताए हैं आसन, ये सब जो मैंने विधि बताई ये आप अपने जीवन में लाएं और न्यूरोथेरेपी के पॉइंट करें, आपको कोई भी समस्या नहीं होने वाली है, अगर हो गई है तो वो पूरी तरह से ठीक हो सकती है। आप कहीं पर भी रहते हैं, आपको कोई भी दिक्कत होती है आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जो मैंने बताया अगर आपको कोई इसमें कुछ चीज समझ में नहीं आ रही है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें, कमेंट जरूर करें, क्योंकि कमेंट करने से हमें एक तो ये पता चलता है कि आपको क्या समस्या है, और आप कमेंट में ये भी लिख सकते हैं कि आपको अगली वीडियो किस विषय पे चाहिए, अगर आपकी कोई अन्य समस्या है, कोई अन्य परेशानी है तो आप हमें कमेंट बॉक्स पे लिख सकते हैं, हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज कर सकते हैं कि सर मुझे इस विषय पर अगली वीडियो चाहिए, मैं प्रयास करूंगा कि मैं सबकी जो भी समस्याएं हैं उनका समाधान कर सकूं, उस विषय पर जो उनकी जरूरत है उस विषय पर मैं उनको वीडियो बनाकर दे सकूं, और उसका कोई चार्ज नहीं है। आपको अगर कोई समस्या है आप उसकी वीडियो मुझसे चाहते हैं तो मैं प्रयास करूंगा कि कुछ ही दिनों में वो वीडियो आपको मिल जाए, और जो निःशुल्क होगी बिल्कुल फ्री होगी, तो कोशिश करता हूं आपकी सारी समस्याओं का समाधान मैं कर सकूं, मेरा समय समय पर ऐसा प्रयास होता है और आपके लिए मैं समय समय पर वीडियो लाने का प्रयास करता हूं, और उम्मीद करता हूं आपको आज ये जो मैंने इम्यूनिटी के बारे में आपको कुछ समझाने का प्रयास किया, कुछ घरेलू नुस्खे बताए, कुछ न्यूरोथेरेपी के पॉइंट बताए, आपको अवश्य पसंद आए होंगे। अभी तक जिसने भी हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वे तुरंत ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें।